भाई कहाँ पे कुछ आ जाएगा? कहाँ पे भाई? भाई बाहर पे। अभी जस्ट सो ही रहता हूँ। आ रही है? यहीं से देखें। इन बंदा हम डर तो वैसे भी लगेगी नहीं। लोकेशन बहुत अलग है यार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा आज के एक और कैंपिंग वीडियो में। तो गाइज आज करने वाला हूँ मैं ग्रुप कैंपिंग, और यहाँ पर भी पेड़ का स्ट्रक्चर आप देखो, तीन पेड़ एक साथ ज्वाइंट होकर। तो आज मैं ग्रुप कैंपिंग करने वाला हूँ, तो मेरे साथ है पंकज भाई और रजत भाई। तो गाइज चलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी से आगे, और इस लोकेशन पर जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत संकेत भी मिलता है। बहुत सारे बकरी वाले भी आ रखे थे, तो उन्होंने ये बताया कि इधर लेपर्ड का आतंक बहुत ज़्यादा है, और दो चार दिन पहले एक कुत्ते के बच्चे को लेपर्ड ले गया था, और आज दिन में ही उन्हीं के सामने से एक बकरी के बच्चे को लेपर्ड ले गया, तो खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बाकी आज हम तीन बंदे हैं तो डर वगैरह ज़्यादा लगेगी नहीं। पंकज भाई और रजत भाई आज मेरे साथ कैंपिंग करने वाले हैं, तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से यहाँ से आगे को निकलते हैं, एक बढ़िया सा लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। बाकी बैग आज फिर से भारी है, लेकिन आज बैग में थोड़ा बहुत सामान कम हो गया है, क्योंकि सामान जो था तीन बंदों में बांट दिया तो थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है, लेकिन बैग का वेट फिर भी 30-40 किलो तो होगा ही। तो अभी के लिए जल्दी जल्दी से निकलते हैं और फिर मिलता आपको कैंपिंग लोकेशन पर। तो गाइज थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है, क्योंकि ट्रैक जो है इधर पूरी खड़ी चढ़ाई वाली है, तो सामने आप पहाड़ी पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा, और पूरी पहाड़ी बर्फ़ से ढक रखी है। तो लोकेशन यहीं पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इन्हीं में से एक लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वही पाँव के ना बैंड बच चुके हैं, और बैग आप चेक कर सकते हैं बहुत बड़ा बैग है, और इसमें 30-40 किलो कम से कम सामान है, तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है। तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से एक बढ़िया सा लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर टेंट को फिक्स करते हैं। गाइज बैग को उतार के थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है, बैग का वेट ना बहुत ही ज़्यादा था, और ऊपर से चढ़ाई में भाई चला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा भारी था। बाकी यार लोकेशन ये वाला सिलेक्ट करा हमने, तो जल्दी से बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लोकेशन है, सामने पे बर्फीली पहाड़ भी दिख रही है, तो जल्दी से ऐसा करते हैं टेंट का सेटअप कर लेते हैं। ये चेक करो गाइज बहुत ही बड़ा बैग है, और इसी पर मैंने नाइफ भी सेट कर रखा, ताकि नाइफ इधर उधर गिरे ना, अच्छे से बांध रखा मैंने, और टेंट भी इसी पर सेट हो रखा, और स्टिक भी, और परसों तो चेयर जो था वो भी इसी पर मैंने सेट कर रखा था। बाकी यार अब जल्दी से टेंट को निकाल के टेंट का सेटअप कर लेते हैं। टेंट का वेट आज थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा सा छोटा टेंट है, जो पिछला वाला टेंट था बहुत ही बड़ा था, और साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा था उसका।
तो ये चीज चेक करो गाइस, कितना बड़ा ये बैग है और इसके अंदर कितना ज्यादा सामान होगा। बहुत ही भारी है भाई ये। सामान थोड़ा सा मैंने तीनों बंदों में बांट दिया तो थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन परसों जो बैग और था भाई बहुत ही ज़्यादा भारी और था, 50-60 किलो सामान था इसमें। और ये है नाइफ, ये साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई जब सुकून तो मिल रहा है, बाकी टेंट के अंदर सारे सामान सेट कर दिया है, तो अब ऐसा करना है कि हमें करना है यहाँ पे कैंप फायर और आउटडोर कुकिंग। तो जल्दी से पहले लकड़ियाँ ढूंढने निकलते हैं, तो लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इधर जो बकरी वाला आ रखे थे तो उन्होंने बताया लेपड़ का खतरा है, तो इसलिए हमें आग जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। तो जल्दी से पहले लकड़ियों के लिए निकलते हैं और बाकी सारे काम उसके बाद होगा। पहले कैंप फायर कर देते हैं। पहले कैंप फायर करते हैं। तो गाइज कैंप फायर करने के लिए लकड़ियाँ भी हम लेकर आ गए, तो लकड़ियाँ ढूंढने में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग गई है और जूते के अंदर ना कांटे भी घुस गए। तो आज भी हम आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं क्योंकि आउटडोर कुकिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऊपर से सुकून भी मिल रहा है। तो जल्दी से एक प्यारा सा चूल्हा रेडी करते हैं और फिर कैंप फायर करते हैं। ये चेक करो, पूरा ये सफ़ेद पत्थर है, बिल्कुल वाइट लग रहा है, तो कहीं पर भी इसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं है भाई, बिल्कुल वाइट पत्थर है। तो इसी को आज चूल्हे में यूज़ करने वाले हैं। तो ये पत्थर ना आसानी से फूटते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको फोड़ने में। भाई देखो यहाँ पे पत्थर पे चिंगारी आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त। जो ये पत्थर है ना वाइट वाले, आपस में जब ये टकरा रहे हैं ना तो इन पे चिंगारी भी आ रही है, तो ऐसे पत्थर आग जलाने में भी वैसे काम आता है। बाकी बिल्कुल सफ़ेद जैसे टाइल्स नहीं होते, मार्बल वगैरह, तो वैसे ही लग रहा है। तो अब ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी से बारीक बारीक लकड़ियों को चूल्हे में डालते हैं। चूल्हा बिल्कुल बढ़िया लग रहा था, जैसे घर में नहीं बनाते हैं लोग चूल्हा, बिल्कुल वैसी चूल्हा रेडी हो गया हमारा। तो सबसे पहले बारीक बारीक लकड़ियों को डालना पड़ेगा, बारीक बारीक लकड़ियों पर ना आग एकदम से लग जाती है। आज एक तिल्ली में आग जलाने का चैलेंज दिया था फिर से, लेकिन एक माचिस की तिल्ली में हम आग नहीं जला पाए, दो यूज करना पड़ा। भाई यार कैंपिंग करने में मजा आता है ना। हाँ मजा आता है, ये वाला लोकेशन बहुत अलग है यार। तब कैंपिंग में जब से आया ना बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को देखने को मिली है। हाँ। पहले मैंने भाई पहाड़ मतलब देखा ही नहीं था भाई, जंगल क्या होता है, मतलब होता है ना जो देखा नहीं होगा तो एडवेंचर क्या होता है। हाँ। अब ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सीखने को मिल रही है। ऐसे लकड़ियाँ कभी नहीं जलाई मैंने, ऐसा ना मतलब जंगल में आग जलाना, चूल्हा बनाना, ये सारी चीज़ें कभी नहीं करी थी। और जब से कैंपिंग मतलब शुरू की है तो नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। आना भी चाहिए भाई, वैसे भी कभी फंस गए तो। हाँ ये चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवेंचर में बहुत मज़ा भी है और रिस्क तो होता ही है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना बिल्कुल अलग लेवल का, नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है। आग देखो क्या बढ़िया सी आग जल गई है, तो यहाँ पर आराम से बैठ के आग सेक सकते हैं हम। तो यही मज़ा है कैंपिंग का। पहाड़ों में आजकल बर्फबारी जो हुई थी ना सामने पहाड़ी पे, मस्त चमक रहा है ना, हवा भी ठंडी ठंडी है। तो गाइस अब ऐसा करते हैं पूरा सेटअप यहाँ पे लेकर आते हैं और यहीं पे बनाते हैं सब। आउटडोर कुकिंग करना है तो चॉपिंग वगैरह करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं गर्मा गर्म। भाई कैसा फील हो रहा है कैंपिंग में? एकदम जैसा सामानों की अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है, तो मैं सेटअप जो है ना कुकिंग करने का सारा चूल्हे के पास लेके जा रहा हूँ। तो आउटडोर कुकिंग करेंगे और आग भी सेक करेंगे।
तो गाइस अब कुछ पीने के लिए बनाते हैं बढ़िया सा गर्मा गर्म, क्योंकि ठंडा जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। बीच में ठंड कम हो गया था और फिर से कल बारिश आई ना, उस वजह से ठंड फिर से बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा धुआं हो गया क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया था, तो आग बुझाए हमने, फिर से चूल्हे को सही करा। अब थोड़ा सा फ्राई पैन सही आ रहा है इसमें। तो आज चाय तो बनाना था लेकिन हमारे पास चाय पत्ती नहीं है। पिछली बारी चाय पत्ती ख़त्म हो गया था पिछली वाली कैंपिंग में, तो लेकर आए नहीं हम। तो अब एक जुगाड़ करने वाले हम, तो हमारे पास है चीनी, तो चीनी से हम चाय पत्ती बनाने वाले हैं। बन तो जाएगा ना? बन जाएगा। तो चीनी देखा हो आपने, बढ़िया करके पिघल गया, तो ये धीरे धीरे ब्लैक होने लग गया, तो ज़्यादा काला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा कड़वा। अभी चाय पत्ती का काम करेगा। तो देखा होगा गाइस आपने, बिल्कुल बढ़िया करके चाय पत्ती तैयार हो गया चीनी को गला के। तो जिसको भी ये पता नहीं था वो आगे से ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकता है। बाकी टेस्ट भी बिल्कुल चाय पत्ती जैसा आता है। हाँ थोड़ा बिल्कुल सेम तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हल्का फुल्का चाय पत्ती जैसा टेस्ट आ ही जाता है। तो गाइस ऐसे करता हूँ, आप चीनी डाल देता हूँ क्योंकि ये अच्छे से उबल गया है। तो गाइस चाय भी हमारी तैयार हो गई है, तो बढ़िया करके उबल गया। तो आग में ये होता है कि चाय जो है ना जल्दी से उबल जाती है। चाय हो या खाना हो, सब चीज़ जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है। तो भाई चाय नहीं पीता मैं। क्या पिएगा फिर? कुछ नहीं ना। भाई कुछ चीनी दे दे। चीनी खाएगा? हाँ थोड़ा चीनी खा देंगे हम। वही करते हैं भाई, जो चाय नहीं पीता उसको हम क्या खिलाते हैं? चीनी। चीनी। भाई चाय क्यों नहीं पीता? क्योंकि हम चाय मीठा पी रहे, तो भाई कुछ मीठा खाएगा। मसाले का डब्बा पकड़ा दिया। यस। तो भाई भाई तो चाय पीता नहीं है, भाई ने खा लिया चीनी। भाई ने खा दिया चीनी। सही हो रही है ये वाली चाय भी? हाँ सेम चाय पत्ती का जैसा टेस्ट। ऐसी टेस्ट पता किस पे आता है? हाँ चाय पत्ती पे नहीं आता है, गुड़ पे। हाँ सही बोला, गुड़ पे आता है ऐसा टेस्ट। भाई का तुक्का काम कर गया। तुक्का काम कर गया। तो गाइज अब ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से चॉपिंग वाला काम शुरू कर देते हैं। भाई कैसा लग रहा है? क्योंकि चाय जो है पूरा हो गया अपना फिनिश। तो गाइस चॉपिंग वाला काम पूरा हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि बनाने की तैयारी करते हैं। ओ शिट यार, क्या हुआ भाई? पहले दूसरा काम करना था, मैंने पहले चॉपिंग कर दिया। लकड़ियाँ हमारा लकड़ियाँ जो है ये वेस्ट चली जाएगी। अच्छा। तो गाइस सबसे पहले मैं चिकन को अच्छे से मसाले वगैरह में मैरिनेट कर देता हूँ। तो चिकन लेकर आया था, तो आज मैं बनाने वाला हूँ रोस्टेड चिकन, और मस्त बारीक बारीक पीस करके अच्छे से पैक करके भी ला रखा मैं, और बिल्कुल साफ धो के। ये पड़ा गाइस दही,
दही कम ही डालूंगा चिकन के हिसाब से, और ये पड़ा अपना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये पड़ेगा इस अपना नमक, नमक कम ही रखना पड़ेगा क्योंकि चिकन थोड़ा सा कम है आज। और ये गरम मसाला, होममेड मसाला मिक्स, और चिकन मसाला। भाई ये क्या आवाज आ रही है, ये चिड़िया की आवाज, मिट्ठू की आवाज है, बहुत मस्त है। तो गाइस ये पड़ा अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब इसको ऐसा करना है कि अच्छे से मिक्स करना और 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये चीज़ वैसे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यार पहले चॉपिंग हो गया तो भूल गया मैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो 3 बंदे हम, डर तो वैसे भी लगेगी नहीं, तो इसलिए आराम से मस्त मस्त करके बनाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट कम से कम। वो अपने पे डिपेंड करता है कौन कितना छोड़ता है, तो 10-15 मिनट तो मैं छोड़ूंगा ही। तो ये चेक करो, ये हो गया अच्छे से मिक्स। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे 10-15 मिनट, और तब तक मैं ग्रेवी रेडी करता हूँ। तो गाइस हाथ भी धो दिया, तो अब ऐसे करते हैं ग्रेवी रेडी करते हैं बढ़िया सा, तब तक अपना चिकन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। भाई ये थोड़ा बहुत डर लग रही है। किस चीज़ की डर लग रही है भाई? लेपर्ड। नहीं भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है। 3 बंदे हम, तो 3 बंदों में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो भाई दूसरी बारी कैंपिंग करना आ रहा, तो इससे पहले भाई ने डे कैंपिंग करी थी, तो नाइट कैंपिंग में पहली बारी आ रहा, तो डर लगना भी वाजिब है भाई, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, तो डर तो लगेगा ही। तो गाइस अब ऑयल भी गर्म होने ही वाला है, क्योंकि आग बिल्कुल सही से जल रखा है। तो बीच में लकड़ियाँ कम पड़ गई थी चूल्हे में, तो लकड़ियाँ भी अभी अच्छे से फील हो गया, तो आग बढ़िया करके जल गई। और यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ इतनी खतरनाक खतरनाक आ रही ना, रात को ऐसी आवाज़ें निकालती हैं पक्षियाँ, और सुबह एकदम प्यारी आवाज़ आती है। और भाई खामा खा डर गए, और भाई डर रहे हैं। तो गाइस इसको टाइम भी हो ही गया, और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया, ये आप चेक करो भाई, बिल्कुल मस्त सा मिक्स हो गया। तो अब ऐसा करता हूँ चिकन को भी डाल देता हूँ। गाइस फाइनली अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, तो अब ऐसे करता हूँ ढक्कन रख देता हूँ इसके ऊपर से, और इसके पकने का वेट करते हैं। थोड़ा पानी डाल दे इसके ऊपर, तो जल जाएगा। पानी डालना ज़रूरी है यार, सही बोला, नहीं तो जल जाएगा ही। हल्का हल्का सा ना, भाई जी बहुत ही गजब बन रहा है ये तो। हाँ बेटा गजब बन रहा है।
तो गाइस ये जल गया तो नहीं, पलटी मारना भी बहुत जरूरी है और चेक कर लेते हैं पहले। मजा आने वाला गाइस आज, चिकन का कलर ही अलग लग रहा है, खतरनाक लग रहा है ये तो। स्वाद आएगा स्वाद गाइस, बस थोड़ा देर और रहने देता हूँ और फिर मस्त करके पक जाएगा, उसके बाद मस्त का डिनर करते हैं। फाइनली अब तो रेडी हो ही गया होगा भाई। ओ भाई भाई तगड़ा लग रहा भाई अब। हाँ भाई ये चेक करो हैंकर, बिल्कुल मस्त लग रहा, खतरनाक लग रहा है ये तो, तगड़ा वाला। ये चेक करो भाई भाई, स्पाइसी लग रहा और बिल्कुल ड्राई बन रखा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है भाई इसमें। भाई निकाल दिया हमने इसको चूल्हे से और थोड़ी देर इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर करेंगे बिल्कुल बढ़िया सा डिनर। बहुत ही गर्म हो रखा है वो भी। तो गाइज फाइनली ये भी ठंडा हो गया, तो मस्त आग भी सेक लिया हम लोगों ने। अब तो खाने का तैयारी है, टेंट के अंदर चलते हैं और मस्त सा डिनर करते हैं। भाई उधर से पता कटे रहा भाई, रुको ना थोड़ा यार भाई जी। तो गाइज अब ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी से सर्व करते हैं भाई जी। फाड़ो गाइज, बढ़िया करके मैंने सर्व कर लिया। तो अब ऐसे करते हैं कि खाने की तैयारी करते हैं और खाने में है अपने पास बन। आजकल ज़्यादातर बन नहीं ला रहा मैं कैंपिंग में, तो यार सीनियर रहना, अगर मैं यहाँ तक रोटी लाऊं तो रोटी यहाँ आता तो वैसे भी ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए बन ला रहा हूँ और खाने में भी सही हो रहा है भाई। तगड़ा हो रहा भाई चिकन तो, एक नंबर, चिकन बिल्कुल एक नंबर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ऐसा चिकन पहली बार बना होगा कैंपिंग में। हाँ पहली बार भाई, तो पहली बार खा रहा ना। हाँ बहुत ही तगड़ा हो रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेस्ट तो नहीं कर पाओगे लेकिन देख कर कैसा लगा आप लोगों को, गेस कर सकते हैं खा ले। तो गाइज फाइनली डिनर हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं हाथ धो के फिर मस्त करके सो जाते हैं। कैसा हुआ भाई डिनर? मस्त तगड़ा, सबसे बेस्ट, मज़ा आ गया ना। तो गाइज डिनर करने में आ गया है बहुत ज़्यादा मज़ा, तो हाथ धो के फिर बढ़िया करके सो जाते हैं। गाइज अब टेंट के अंदर बढ़िया करके बिस्तर वगैरह सेट करके बढ़िया सा सो जाते हैं और टेंट को कर देते हैं लॉक। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पूरी नाइट देखते हैं भाई कैसी नींद आती है यहाँ पे। तो गाइज फाइनली टेंट भी अच्छे से लॉक हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी कर लेते हैं और लाइट वगैरह सब कुछ एक जगह पे रख देते हैं। और जैकेट वगैरह हम कुछ भी नहीं उतारेंगे क्योंकि सीन ये है कि रात को बहुत ज़्यादा ठंडा लगने वाला है और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, तो जैकेट टोपी कुछ नहीं उतारेंगे, ऐसे सो जाएंगे। तो अभी के लिए मस्त सो जाते हैं और इसके बाद मिलेंगे मॉर्निंग में भाई। अब सुकून मिल रहा है कसम से बहुत ही ज़्यादा। भाई 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 बाहर पे गाइस, अभी जस्ट सो ही रहे थे और इनको आवाज सुनाई दे रही है। तुझे भी सुनाई दे रही है? भाई ने बोला आवाज बंद, मेरा नींद वैसे आ रही क्या आवाज भाई? हाँ भाई बाहर देखे क्या? हा? देखे बाहर, चल बाहर खोल दे। यही से देखा है?
बस चलते हैं राइट मार तो यहीं से मार लूँ भाई यहीं से अंदर भाई अंदर से भाई भाई तो आग जल रखी है थोड़ी सी है लाइट देना अगल बगल पे होगा बाहर जाए बाहर नहीं जाना इधर की साइड से भी तो कुछ नहीं दिख रहा बाहर जाके देखते हैं सीधे देखते बाहर देखे हाँ बाहर चलते हैं चलो चलो बाहर चलते हैं ग्रुप में चलना ठीक है बाकी अकेले मत जाओ नाइफ नाइफ साथ में रख लाइट पकड़ नाइफ मेरे पास है अंदर मैं आगे से जाता हूँ भाई भाई ठीक है भाई भयंकर आवाज तो आ रही है तो गाइस अभी बाहर जाके देखा मुझे तो कुछ नहीं दिखा और ये फालतू में डर रहे यार मेरे हिसाब से भाई सही मैं भी डर लग गया आवाज तो आ रही थी लेकिन ऐसा लगा कि कोई पत्थर फेंक रहा है पत्थर जैसा देखा मैंने हाँ। लेकिन था तो कुछ नहीं पूरा देखा हमने और ये सबसे ज्यादा ये डर रहा भाई पहली बार आ रहा है सब कुछ पहली बार आ रहा मैं तो सो गया था भयंकर इतनी बढ़िया नींद आ रही थी ना आज अब नींद भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है बाकी भाई लोग फिर स्क्रिप्टेड वगैरह बोल ना जब तक कुछ कैमरे में कैप्चर ना होना तब तक लोग मानते नहीं है चलो सो जाओ कुछ नहीं है भाई भाई डराना मत डरो मत यार कुछ नहीं है भाई पत्ते पत्ते गिर रहा होंगे जंगल में तो होता ही है भाई मतलब अब वो तो पहली बार आ रहा है भाई तुझे तो पता है ना होता है जंगल में।